हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, जो आप देखते रहिए। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम दही भरा हुआ है, बनाए हैं से। इसका वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए दही हम ले रहे हैं 100 ग्राम, इसको हम कटोरा में ले लिए हैं। फिर इसको हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर मिला लेंगे खूब अच्छी तरह से। फिर इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक डालेंगे, हम इसमें नमक डालकर हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे इसे मिलाकर, नमक मिलाकर। इसके लिए 100 ग्राम बेसन लेंगे, इसमें नमक डाल देंगे और 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे। हल्दी डालना है, काली मिर्च डालना है, मिर्चाई पाउडर थोड़ा सा डालना है, लहसुन का पेस्ट डालना है। इसमें ज़रूर से 1 चुटकी खाने वाला सोडा मिलाना है, इसलिए कि फुलौरी जो पकौड़ा है वो सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। पकौड़ा खूब मिला लेना है अच्छी तरह से, इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छा तरह से मिला लेंगे खूब फेंट कर 2 मिनट तक। इसको आप चम्मच से भी मिला सकते हैं अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है बेसन के घोल को, ताकि सॉफ्ट और मुलायम बन सके। कम मिलाने से पकौड़ा कड़ा हो जाती है, इसलिए खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे कि मुलायम बन जाए। और इसके लिए हम चम्मच से भी मिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हाथ से भी, ज़रूरत है तो हाथ से भी मिला सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है, अच्छा तरह से मिलाने से सॉफ्ट और मुलायम होगी। देखिए ये बैटर बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डाले हैं, इसमें मीडियम आंच पर इसको हाथ के सहारे पकौड़ा को बनाना है, या चम्मच से भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी बनेगी, फुला फुला और मुलायम सॉफ्ट बनेगी पकौड़ा। देखिए ये पकौड़ा फूल कर बड़ा बड़ा हो गई है, इसको हम चलाते रहेंगे। अब धीरे धीरे आँच पर थोड़ा बनाएंगे, चलाते रहेंगे, लाल होने तक पकाएंगे। चारों तरफ से पका लेना है आराम से, इसको 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि पक ना जाए। और यह बन गई है, अब हम निकाल ले रहे हैं थाली में। इसको हम बारी बारी से कर कर हम सब निकाल लेंगे इस सब पकौड़े को। अभी सारे पकौड़े को हम दही में डाल कर ढक कर रख देंगे, चलाने के बाद इसको ढक देंगे। फिर बचे हुए बैटर से हम पकौड़ा बना लेंगे मीडियम आंच पर, इसको पका लेंगे हम, चलाते रहेंगे इसको। फिर बनाने के बाद इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। देखते रहिए दोस्तों ये कैसी बन रही है पकौड़ा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए 100 ग्राम से थोड़ा सा कम बेसन, नमक मिला लेंगे, लहसुन पाउडर मिला लेंगे, काली मिर्च मिला लेंगे, हल्दी पाउडर मिला लेंगे और जीरा का भी पाउडर मिला लेंगे। इसमें बेसन के घोल में हम अच्छा से मिला लेंगे मसाला को। मिलाने के बाद पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर मिलाते रहेंगे, ताकि सब गुठली है जो फूट जाए सब अच्छी तरह से मिल जाए। इसको आराम से मिला लेंगे धीरे धीरे करके। फिर और पानी डालेंगे, घोल को पतला कर लेना है मिलाकर अच्छी तरह से। देखिए ये घोल बनकर अच्छी तरह से तैयार होने जा रहे हैं। जीरा डाल देंगे सरसों के तेल में और मिर्चाई भी डाल देंगे, इसको पका लेंगे लाल होने तक, इसको पका लेना है। फिर इस घोल को इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई में, इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे। डालने के बाद थोड़ा पानी भी मिला लेंगे, ढीला कर लेंगे घोल को, पतला कर लेना है, और इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक डाल लेना है। फिर इसको मीडियम आंच पर पकाते रहना है धीरे धीरे चलाकर। इसमें उबाल आना चाहिए ऊपर तक कढ़ाई में, देखते रहिए, इसमें उबाल आ गया है ऊपर तक, थोड़ा देर तक चलाएंगे। फ्रेंड्स एक घोल पककर तैयार हो गई है कढ़ी का, इसको हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे।
देखिए दोस्त, ये पकौड़ा देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई है। दही इसमें अंदर तक जा चुकी है। अब हम सारे पकौड़े को कढ़ी में मिला लेंगे। हम बारी बारी से कर्क सब डाल देंगे और चला लेंगे कलछी के सहारे। चला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गई है कढ़ी, सॉफ्ट मुलायम, एकदम रू जैसा मुलायम, खाने में बहुत अच्छी लगेगी, मज़ेदार। आप इसको देखते रहे वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। आप बनाकर देखिएगा। और इसमें थोड़ा सा पाउडर भी छिड़क लेंगे, कसूरी मेथी या धनिया पत्ती डालना है। देखिए मैं अब इसको तोड़कर दिखाती हूँ, इतनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है।